सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आईफोन में एप्पल आईडी की टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो, जिससे कि विदाउट आपकी परमिशन आपकी आईडी कोई भी ओपन नहीं कर सकता। अगर ओपन करता है तो आपको कोड रिसीव होगा और उस कोड के बगैर कोई भी आपकी एप्पल आईडी को लॉगिन नहीं कर सकता। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपने ओपन कर लेनी है सेटिंग। और यहां से देखिए ऊपर की साइड आपको अपनी आईडी देखने को मिलेगी, आपने उस पर कर देना है क्लिक। और यहाँ से देखिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर कर देना क्लिक। अब देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन, मैंने ऑन की हुई है। मैं आपके लिए दूसरा नंबर इसमें एडिट करके दिखा देता हूँ। अब आपने यहाँ पे ट्रस्टेड फ़ोन नंबर, इस पर कर देना क्लिक और अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपने पासवर्ड एंटर कर देना। जब आपका फ़ोन का पासवर्ड है, अब यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करके यहाँ पे नंबर एंटर कर देना है। और यहाँ पे नीचे की साइड टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कॉल आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। या नीचे की साइड अपने नंबर एंटर कर देना है। हमने सिंपली सेंड पर कर देना है क्लिक और आपके सामने आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कोड। ये देखिए अब आपकी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुकी है। इस तरह आप अपने आईफोन में एप्पल आईडी की टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।